हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड माय चैनल। दोस्तों अभी जो है वो वक्त आ गया है कि टब को कैसे साफ़ करना चाहिए आपको। अगर आपके पास भी ऐसा घर में टब पड़ा है कछुए के लिए तो उसे साफ़ कैसे करना चाहिए, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको पता चलेगा कि तरीके से कैसे साफ़ करें किसी टब को। क्योंकि आप जानते हैं कि टब जो है रबड़ का है, प्लास्टिक का नहीं है, उसे ठीक से हैंडल नहीं करा तो कहीं भी रह सकता है थोड़ा गैप, जिससे पानी लीक हो जाएगा और वो होना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरे घर में बाढ़ आ जाएगी। तो अभी जो है ना फ्रेंड्स, ये देखो मैंने सारी फ़िल्टर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो निकाल के रख दी है। और यही मैं टिप नंबर वन यही है, जब भी टब को खाली करो तो सबसे पहले उसकी चीज़ें निकालो। ये नहीं आप पानी हटा रहे हो, एक तो दो चीज़ें ज़रूर करो, टब की सारी चीज़ें निकालो, फिल्टर वगैरह सारी, ब्रेक वगैरह, बास्किंग एरिया सब, और कछुए को निकाल दो। अभी कछुए को मैंने ड्राई प्लेस पर रख रखा है एसी ऑन करके। ये रहा मेरा कछुआ, थोड़ा बाहर निकाल के दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत तो इरीटेट चलता है, इतने में कुछ नहीं होता एक वाइल्ड बढ़िया कछुए का। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। मैंने बास्किंग एरिया ऑर्डर भी करवाया था, पर वो बेकार था, थर्ड ग्रेड क्वालिटी थी, तो मैंने कैंसिल कर दिया। मैं दूसरे कोई बास्किंग एरिया डेकोरेशंस देखूंगा और नेचुरल डेकोरेशंस भी देखूंगा। देखो बनाऊंगा तो एक बार में बढ़िया बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ये देखो कितनी गंदी हो गई थी, पानी बिल्कुल भी बास नहीं मार रहा, फिल्टर बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ आपको टिप नंबर टू और दूंगा, वैसे तो काफ़ी टिप दे दिया अभी तक, फिर भी टिप नंबर टू ही दूंगा। देखो जब भी आप कोई ब्रांड यूज़ करो ना, तो हमेशा सोबो की ब्रांड यूज़ करो। एक्वेरियम फिशेस टर्टल के मामले में सिर्फ सोबो की ब्रांड यूज़ करो। मैंने आरएस इलेक्ट्रिकल के हीटर ली थी, जितने भी आरएस इलेक्ट्रिकल के चीज़ें ली है, एक्चुअली बेसिकली ज़्यादातर फेल ही होती है, चीज़ें बेकार हो जाती है। पर सोबो का अभी जो मैंने आपको फिल्टर दिखाया था ना, वो चार साल से काम कर रहा है, तीन चार साल से, और कोई दिक्कत नहीं आई है। देख लो फ्रेंड्स, ना करंट की ना कुछ की। हीटर मैंने सोबो का लिया था, अभी बढ़िया काम कर रहा है। उससे पहले भी तीन साल पहले मेरे पास एक हीटर था, टूट गया था, पर अब मैंने इस्तेमाल करा एक सोबो का हीटर, वो बढ़िया कर रहा है। और आरएस इलेक्ट्रिकल का 2 मिनट में फेल हो जाता है, कुछ टाइम में ही ख़त्म हो जाता है। अब इसे साफ़ करते हैं। अब मैं क्या करूँगा देखो, और कोई भी पैनी चीज़ से मत करो, मैं एक मग लूँगा और केयरफुली सारा पानी हटाऊँगा। अगर तरीके से करोगे एक घंटे का काम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। वो तो मैं वीडियो बना रहा था, थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगी, नहीं तो अभी तक तो मैं पानी निकाल भी चुका होता। अब मैं दिखाता हूँ। देखो आपके पास भी टब है ना, आपको जानना चाहिए कि कैसे पानी निकालना है, ठीक है। मैं ज़्यादा ही वीडियो लंबी करूँगा नहीं, सीधा दिखाता हूँ। अब लो जी भाई आ गया मैं, जल्दी जल्दी खाली करते हैं। अब दोस्तों अगर आपके पास कोई छोटी बाल्टी हो तो इससे भी आप पूरी बाल्टी डाल के हटा सकते हैं, पर मैं मग ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि फिर घर का फर्श वगैरह गीला हो जाएगा और दो काम बढ़ जाएंगे। पूरा खाली करके मिलता हूँ, ये ना पूरा खाली करके मिलता हूँ। हाँ जी, पहली बाल्टी जो है पूरी भर चुकी है, देख लो फ्रेंड्स, ठीक है टब से। और एक चीज़ और बोलता मैं, जब आप पानी डालेंगे ना इसमें, मैं धोने वगैरह का तो सारा दिखा ही रहा हूँ, बढ़िया तरीके से देखना कैसे टब को क्लीन करते। एक और चीज़, अगर आपके पानी में आपको लगता है ना कि क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है, तो आप एंटी क्लोरीन ऐड कर सकते हैं। वैसे कछुओं को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्लोरीन से, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में तो, और आपके अगर टब में फिशेज भी आपने टर्टल के साथ ऐड कर रखी, तो आपको डालना ही चाहिए फिर तो एंटी क्लोरीन। अब देखो मैं साफ़ करने का भी दिखाऊंगा, देखते रहिए। देखिए अभी सिर्फ लगभग 4 मिनट होने वाले हैं और मैंने आधा काम कर भी लिया है, तो जल्दी वीडियो ख़त्म कर दूंगा, देखते रहिए फ्रेंड्स। दोस्तों शुरू कर रहा हूँ अब दूसरी बाल्टी को भरना। देखो अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो गंदा पानी था ना एक तरीके से हट चुका। अब देखो ज़्यादा पानी में भी गंदगी नहीं दिख रही, और इधर देखोगे तो कई नीचे गंदगी ज़्यादा ही दिख रही है आपको, छोटी मोटी तो दिखेगी पर जैसे पहले दिख रही थी वो नहीं दिख रहा, और पानी भी क्लियर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अभी भी मैं आधा पानी भर के से रहने दे सकता हूँ, पर पूरा टप करना ज़्यादा सही रहेगा साफ। लो भाई अपनी दूसरी बाल्टी भी हो चुके, और इस बार ज़्यादा पानी गंदा हो गया, दिख नहीं रहा ऊपर से, साफ लग रहा है पर अंदर काफ़ी गंदा की, मैंने ध्यान से देखा था, तो पूरा ही सही करना साफ रहेगा टब। अब साफ करना मतलब, अब दूसरी बाल्टी डालूंगा फिर तीसरी बाल्टी तक का पानी रह जाएगा। इसको ना ले जाने में अलग स्ट्रगल है दोस्तों, मैं वहाँ से इसको इधर से
बिल्कुल लास्ट तक ये दरवाजा खोल के फिर बाथरूम में ले जाता हूँ, फिर गिराने ले जाता हूँ, उठा के भी घसीट के भी। पर यार आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ? मैं अकेले भी तो कर सकता था, पर मैं चाहता हूँ हर एक एक चीज़ मैं शेयर करूँ अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका कोई घाटा ना हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तीसरी बाल्टी शुरू करते हैं। इस काम को आप ट्यूब लगा के भी कर सकते थे, पर फिर भी गंदगी थोड़ी बहुत रह भी जाती है। और कभी कभी ट्यूब पानी डालना बाल्टी में बंद भी कर देती है। एक ट्यूब वाला मेथड होता है ना, सबको पता हो, पर फिर भी मैं प्रेफर करूंगा ये ज़्यादा सही रहता है, इसको करो। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप मेरे को तो लग रहा चौथी बाल्टी और लगेगी फ्रेंड्स, ये तीसरी तो भरने ही वाली है। अच्छा अब एक बहुत ज़रूरी टिप देता हूँ, जब ये भर जाएगा ना पूरा, देखो जब ये बिल्कुल कम हो जाएगा, और ये बाल्टी भर चुकी है, अब तीसरी वाली देखो ये बिल्कुल कम हो गया है। जैसे जैसे कम होगा ना, टब से मगे से मग से पानी निकालना मुश्किल होगा। तो अब क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करके, बिल्कुल टेढ़ा नहीं, नहीं तो टब की लाइफ फिर डिग्रेड हो जाएगी, पंचर भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा करके, वो मैं दिखाऊंगा कैसे, पानी को एक जगह लाना है और फिर मग से हटाना है। फिर बहुत थोड़ा जब पानी बच जाए ना, फिर तो आप उठा भी सकते हैं नॉर्मली उठा के आपको। इसलिए कपड़े के एडवांटेजेस है बहुत, जो मैंने नीचे लगा रखे, इस कपड़े के साथ ही उठा के अपना जो है आप ले जाओ धोने। अभी दिखाता हूँ, ईयरफोन लगा रखा है तो बोल नहीं रहा, सिर्फ देखो कैसे करता हूँ। ये नीचे छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है? धीरे धीरे बहुत, तो अभी तक का जो काम है ज़्यादा स्ट्रेसफुल तो नहीं गया है शुरू से लेकर अभी तक, पर हाँ बैक पेन से बहुत जूझना पड़ रहा है, क्योंकि बैक पेन होता है, झुक के आपको काम करने पड़ते हैं। पांचवी बाल्टी भर चुकी है और अभी भी इसमें पानी बाकी है, पहले से फेंक के आते हैं। अब ऐसे टेढ़ा करते करते जो है इससे निकाल देंगे पानी, ऐसे देखो यहाँ से उठाए धीरे धीरे बहुत, और इधर से जो है पानी फिर लेके जो है करते रहे। ऐसे रखता हूँ अभी से। अगर आप इस काम में यंग है ना तभी बात बनेगी, क्योंकि इसमें एक्टिवनेस काफी सारी चाहिए। अब देखो छठवीं बाल्टी मैं भरने जा रहा हूँ, यहाँ पे आधी सी कुछ भरेगी, अब पता नहीं जितनी भरेगी दिखा दूंगा। देखो अगर आप थोड़े ओल्ड एज हो है ना, तो आप ये काम कर सकते हो, ट्यूब लगाओ, पानी सारा हटाओ, ट्यूब में ही दिक्कत होगी, ठीक से हटेगा नहीं। या फिर एक आप एक काम कर सकते हो, ट्यूब से जितना भी पानी हट रहा हटाओ, या फिर मग से जितना भी आराम से बैठ के पानी हट रहा हटाओ। उसके बाद क्या करो, टब को थोड़ा बहुत साफ करो कपड़े से, उसके बाद जितना पानी उसमें, मतलब मान लो आप आधा पानी रहने देना चाह रहे हो, आधा पानी रहने दो और नया पानी ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिल्टर को चला दो धोके, इतना भी कर सकते हो नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ अच्छे से सफाई तो जो मैं दिखा रहा हूँ वही होती है, पर कछुए को ज़्यादा अच्छे से भी सफाई नहीं चाहिए, इतना बहुत काई वगैरह चलती है। मैं इतने में भी काम कर सकता हूँ, पर मैं अच्छे से ही सफाई करता हूँ, क्योंकि बदबू भी आती है, फिर ठीक से ही करनी चाहिए ऐसे कछुए की जो एंक्लोजर होती है उनकी सफाई। हाँ जी, तो इतना पानी अभी भी निकल गया और अभी भी बचा है, पर अभी काफ़ी पानी हो चुका है। इसको मैं सरका के ले जाऊंगा कपड़े से आराम से, क्योंकि इतना टब झेल लेगा। अब टब को पैक करके ले जाना पड़ेगा और ये पानी भी फेंकना पड़ेगा। अब मैं दिखाऊंगा कि पैक करके आपको तरीके से कैसे लेके जाना है। पानी देख लो जी, पहले पानी देख लो भाई, यहाँ पे बिल्कुल कम है, वहाँ पे थोड़ा बहुत है, ठीक है? देखो कैसे पैक करना है। अब बहुत दिक्कत वाला काम होने वाला है, मैं ये नहीं समझ पा रहा दिखाऊँ कैसे। रुको देखो आपको क्या करना है, अब मैं इसे पकड़ भी तो नहीं पाऊंगा ठीक से, एक बार एक जगह सेट करता हूँ, हाथ में ही ले लेता हूँ, वैसे हो नहीं पा रहे। देखो क्या करना है आपको, आपको इसे ऐसे मोड़ना, देखो यूँ ऐसे है ना, ये ऐसे खुला हुआ है ना, आपको इसे ऐसे यूँ करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे अंदर करना है। देखो यूँ धीरे 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 ऐसे रखना है, ठीक है? ऐसे करके फिर एक साइड को पकड़ लेना है, जैसे यहाँ की, आप बस देखो मैं बोल नहीं रहा, देखो आप शायद अब आवाज़ आ जाए थोड़ी बहुत, मैंने गले में लपेट लिया है ईयरफोन को, और ना भी आए तो ठीक है कोई बात नहीं, समझ तो आ जाएगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको जो है लपेटना है इसको। और एक एक मेरे दोस्त ने कहा था मेरे को, फ्लैप शेल पे वीडियो बनाओ, मेरा एक गांव है उसमें कुछ लोग जो है वो फ्लैप शेल के साथ खेल रहे हैं, जो कि गलत चीज़ है, पर मैं दिखाऊंगा वो वीडियो, दिखाऊंगा आप लोगों को थोड़ा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखो ये देखो धीरे धीरे धीरे, अरे वीडियो थोड़ा ना लंबा खिंच जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं, पर टाइम भी मेरे को लग रहा है थोड़ा, वीडियो बनाने के साथ मैनेज करना पड़ता है ना काम भी।
देखो ऐसे हो गया, अब आपको देखो क्या करना है, कपड़ा थोड़ा ऐसे भी उठा के ले जा सकते हो धीरे धीरे घसीटते हैं, पर मैं ज्यादा ये रेकमेंड करूंगा। और देखो चींटियों का जो जुगाड़, चींटी दिख तो नहीं रही है बिल्कुल भी, ये देखो, और अब सफाई भी हो जाएगी तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगी। देखो अभी ना दिखाता है यहाँ पे कितनी सारी चींटियां मरी हुई है, मैंने उठाया ना, ये देखो ध्यान से देखो, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये जो दिख रही है ना काली मरी हुई है सारी। देखो इधर के हालात दिखाता हूँ थोड़े, इधर से व्यू लेके देख रहे हो मेहनत कितनी लग रही है। लोग देख रहे होंगे यार एडिटिंग तो है नहीं इसमें, भाई जो असली चीजें होती है ना उनमें कम ही एडिटिंग दिखती है। ये देखो आपको थोड़ा फर्श पे लाके दिखाता हूँ ना, झाड़ के ना तब दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों ऐसी काफी सारी है, ये दिख रही है आपको, ये देखो। चलो वीडियो और लंबी नहीं खींचता, जल्दी से दिखाता हूँ मैं आपको, इसे सरका के उधर ले जाता हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसे ही सरका के ले जाना है। चलो अब देखो सरकाते हैं, मैं यहाँ पे ले आया और अब मैंने क्या करा, ऐसा खींच के थोड़ा उधर की तरफ कर दिया, सारा पानी मैं अभी ऐसे निकाल रहा हूँ। चलो भाई आई होप दोस्तों आपको आवाज आ रही होगी ढंग से, ये पानी भी खेल देता हूँ, इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो दोस्तों इसे किसी भी पैनी चीज में मत लगाना, पैनी चीज से दूर रखना बिल्कुल। अब इसे धोया जाएगा, पहले सीधा करता हूँ, बाल्टी जिससे पानी डालते हैं साफ करने के लिए। एक काम करता हूँ, थोड़ा स्मार्ट वर्क करता हूँ, अच्छा इसको ना अगर आपके शावर में थोड़ा शार्प पानी आता ना तो सेट करने का अगर आपके में हो तो ठीक है, वरना ऐसे ही चलने रहने देना। मैं थोड़ा सेट कर रहा हूँ इसको, बस दोस्तों हमारी कम से कम आधे घंटे की मेहनत सेव हो गई है काम करके। अब इसे क्लीन करता हूँ मैं अच्छे से, आपको क्या करना है धीरे धीरे अच्छे से हर जगह से रगड़ना है, ब्रश से नहीं हाथ से, या फिर किसी सॉफ्ट ब्रश से अच्छे से थोड़ा बहुत रगड़ के फिर सेटअप कर देना है। चलो भाई ये काम हो चुका है, इसे यहीं पे छोड़ते हैं अभी। वो तेरा हो ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट में तेरा कोई खास, वो बता देगा क्या मामला है क्या नहीं है, तू जानता नहीं इसकी बहन का दुबई में बैठा सकील तक हमारे तो बात करने की सकना भरा है, तू हमने जानता नहीं, इतनी गोली मारेंगे बात समझ में नहीं आऊगी। लो भाई टब सेटअप हो चुका है, अब ज्यादा कोई केयर वगैरह नहीं है, धीरे धीरे पानी डालना है और सेटअप करके मिलता हूँ अब सीधा। यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की सोची है मैंने, पाइप लगाऊंगा मैं नल में, पानी ऑन करूंगा, पहले एक मिनट तक पानी जो यहाँ पे बहने देने जाऊंगा ताकि अगर पुरानी ट्यूब है ना कोई गंदगी हो तो निकल जाए, फिर टब में डाल दूंगा ट्यूब को, आराम से भरती रहेगी। लो भाई नल में लगा दिए ट्यूब, अच्छे से साफ कर रहा हूं ट्यूब को भी साफ कर रहा हूं क्योंकि फिर उधर तक आएगी तो काफी घर गंदा ना हो जाए। ज्यादा मुश्किल नहीं है टब को हैंडल करना, मेंटेनेंस इतनी नहीं जाती, सबके घर के हिसाब से है। चलो हो गया, अच्छा इसमें क्या चक्कर है, राइट वाला गर्म का लेफ्ट वाला ठंडे का, मैंने ठंडा ऑन कर दिया, ठंडा ठंडा चिल्ड पानी आ रहा है, लेट्स गो ऑन करते यहां से, लेट्स गो। ऐसे आप साफ भी कर सकते थोड़ा इधर उधर अगर टब में कोई गंदगी दिख रही है, क्योंकि मैंने ज्यादा साफ नहीं करा है, थोड़ा रहने भी दिया है। मैंने ठंडे पानी का चुना था, थोड़ा धीरे फ्लो आ रहा है, तो गर्म पानी का चुनता तो बहुत ही तेज फ्लो आता है उसमें, तो इसमें थोड़ा धीरे फ्लो आएगा, टाइम लगेगा भरने में, पर कोई बात नहीं। देखो ठंडे पानी का थोड़ा फ्लो जल्दी बढ़ गया है पहले से,
काफी सेटिस्फाइंग लग रहा है मुझे करना, और उससे तो काफी सही है। बस वो ये थोड़ा टाइम लेता है, वो टाइम सेवर है, बस में हार्डवर्क चाहिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क है, थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है, कोई बात नहीं, पर सही है, ऐसे ही करना। धुल भी रहा है एक तरीके से ऐसे, अभी तो फिल्टर वगैरह भी वो सब धोना है, तो वो सब धोने की तो मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वो धोके सीधा प्लेस कर दूंगा। आ जाओ, उनको धोके अभी ही डाल देता हूँ, फिर पानी अपने आप भर जाएगा। स्पॉन्ज देखो दोस्तों, स्पॉन्ज देखो कितना गंदा हो रखा है। नेचुरल चीज है भाई, नेचुरल सेटअप है तो गंदा तो होगा ही, कोई बात नहीं। लो जी भाई, ओ हो, इतना क्लियर पानी, वाह। आपको पता है जो आपने साफ करा होता ना पहले, चाहे वो गंदा भी हो जाए, आपको देखने की रोज आदत हो जाती है तो आपको साफ लगता है, पर जब आप एक साथ समेट के सब कुछ साफ करते हो ना, फिर आपको जो ये साफ लगता है काफी सही लगता है। देखो अभी मैंने फिल्टर लगा दिया, पानी अपना जो है चल रहा है मस्त। ये चीज काफी सेटिस्फाइंग है, ऐसा लगता है सारी मेहनत जो है वसूल, बढ़िया हो गया, पैसा वसूल चीज है वैसे। और आपको पता है ज्यादा खर्चा भी नहीं करता, बस थोड़ा टंकी का, आपकी टंकी का पानी लेगा और कुछ नहीं। लोग ये सोच के देख रहे होंगे बहुत मेंटेनेंस है, ये हुआ है सब गप है, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत बस टाइम चाहिए आपको, एक दो घंटे का, और कुछ नहीं है, बढ़िया सेटअप रहेगा। और आप ये भी तो देखो, एक दिन की मेहनत है, फिर तो बाकी बढ़िया ये सब कुछ। ये देखो दोस्तों, इधर से थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। लो जी भैया ले आए, अब इसको लगाऊंगा भाई, पीछे की साइड से लगाऊंगा और यहां पे सेट कर दूंगा बस। ये लो, आराम से लगाना है काफी, ये बीच में अगर दोनों के रबड़ आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, फट सकता है, बिल्कुल आराम से लगा दो। लो जी भैया सेट हो गया, अभी तो यही जुगाड़ कर रहा है थोड़ा सा, धीरे धीरे करके बढ़िया कर दूंगा। इस बार मैं सोच रहा हूँ आधा पानी कर दूं, ठीक से जा रहा है पानी तो ठीक से जाए, फिर प्रेशर वॉश कर देते थोड़ा। ईंट को मैंने धोया नहीं, सिर्फ पानी से निकाल दिया। ये ट्यूब अगर बाहर निकल गए ना दिक्कत हो जाएगी। ये चीज मुझे सही लगी यार, ट्यूब से भर दो पानी, ये तो बहुत मेहनत लगती है। और ये मेरा कछुआ, ये तो लिटरली भाई पागल हो रहा है, टब से बाहर निकाल दो ना पागल हो जाता है, क्योंकि नेचुरल बढ़िया लगता है, इसको मजा आता है, बिल्कुल पागल सा हो गया है टब में जाने के लिए। अगर मैं ईंट पे भी छोड़ूंगा ना, देखना कितनी जल्दी भागेगा। ये देखो 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 देखो, पर अभी मैं जा नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ा गर्म ठंडा पानी आ रहा है, टेम्परेचर का थोड़ा ड्रॉप और वो सब हो रहा है, थोड़ा टेम्परेचर में बदलाव, तो एकदम से डालूंगा तो बुखार हो सकता है, बुखार नहीं मतलब तबीयत बिगड़ सकती है कछुए की, तो अभी तो मैं नहीं डालूंगा इसको। ये देखो दोस्तों, पानी काफी ज्यादा भर चुका है पहले से, मस्त लग रहा है भाई साहब, देखो कितना मजा आ रहा है। दोस्तों फिल्टर ऑन है और यहाँ पे पानी भी भर रहा है, ये देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है, फिल्टर ऑन है, पानी भी भरे जा रहा है, फिल्टर भी हो जा रहा है, अच्छी खासी क्लीनिंग हो गई है, पूरी 100% क्लीनेंस हो गई है, और वाटर लेवल से ऊपर आ चुका है, जितना पहले वाटर लेवल था उससे काफ़ी ऊपर आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा पानी गिर गया था पहले, ट्यूब बाहर निकल गए थे, पर कोई बात नहीं, ये भर रहा है बढ़िया तरीके से, फिल्टर भी अपना बढ़िया काम कर रहा है और मजा आ रहा है भाई, 100% क्लीन हो चुका है टब, बिल्कुल भर देंगे आधा, आधे से ज्यादा नहीं करूंगा, दिक्कत आ जाए क्या पता, और टब बढ़िया चल रहा है, देख लो सब कुछ ओके रिपोर्ट हो चुका है। और कछुए को चलो छोड़ देते हैं अब पानी में, आ जा भाई, चलो 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 चलो, गो ब्रो गो। और भाई देखो कितने मजे से अपना जो कछुआ चला गया है, ये देखो पानी
ये कोई टॉर्चर नहीं है कछुओं के साथ फ्रेंड्स, इतना बहुत चलता है, देसी कछुआ है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। और फ्रेंड्स देखो फिल्टर बिल्कुल काम कर रहा है अपना बढ़िया तरीके से फ्लो में, कछुए का कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे भी तैरने वाले कछुए होते हैं, कोई देखो बढ़िया तैर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने मेन मेन वीडियो बना दी है इसके ऊपर, अब मैं शायद वीडियो बनाऊँ भी ना इसके ऊपर, क्योंकि मैंने सब क्लीनेंस लगाना वगाना हटाना सबके ऊपर वीडियो बना दी है। अब शायद मैं ब्रेक लूँगा एक दो हफ्ते का यूट्यूब से, बढ़िया वीडियो वायरल होगी तब तक। और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बढ़िया। ये देखो बढ़िया मेरा कछुआ अपना, इसे खाना दे दो अभी, निमटा देगा खाना बिल्कुल। दोनों की दोनों चल रहे हैं भाई, पूरा फ्लो हो चुका है इसके अंदर तो मज़ेदार। नेचर्स थिंग। ये देखो फ्रेंड्स मेरा कछुआ आराम से नॉर्मल बिहेव कर रहा है, आराम से चल रहा है, और अभी आधे से ज़्यादा पानी होने तो बिल्कुल बढ़िया और सिस्टम हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स अब पानी तो भरने दो। ध्यान से देखो कछुआ मेरा तैरने भी लगा है, अब तैर रहा है, पहले नहीं तैर रहा था, ज्यादा फ्लो हो गया है पानी का, मस्त आराम से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और देखो कितना मजा आ रहा है कछुए का, अभी तो नॉर्मल सेटअप है तब जाके हाल है। देखो फ्रेंड्स मेरे कछुए को। देख सकते हैं फ्रेंड्स। वाटर लेवल पहले से बहुत इंक्रीज हो चुका है, आपको लग नहीं रहा होगा पर काफ़ी इंक्रीज हो चुका है वाटर लेवल, यहाँ से देख लो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और कछुए को देखो मेरे अपना मस्त, ओ शिट 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 शिट, बच गए फ्रेंड्स, बच गए बार बार। फ्रेंड्स इसका ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बार बार बाहर जा रही हो तो बस, ये कपड़ा झेल गया देखो पूरा गीला हो गया है। कोई नहीं फ्रेंड्स इतना चलता है कछुए के लिए, बस तब में कोई दिक्कत ना आ जाए, काफ़ी सारा पानी हो गया क्योंकि वो देखो बास्किंग एरिया से अभी ऊपर आ गया पानी, तो मैं बास्किंग एरिया को देखूंगा बढ़िया सा जुगाड़ लगा के। फ्रेंड्स अब मैंने थोड़ी इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा कर दी क्योंकि पानी ज़्यादा था, मेंटेनेंस भी ज़्यादा रहेगी फ्रेंड्स। और देख सकते हो कितना मस्त जो है मज़ा आ रहा है मेरे कछुए को, अभी थोड़ा ये फिर भी डरा है, थोड़ी देर के बाद ये आराम से स्विमिंग करेगा इसके अंदर, इसे पूरा अच्छे से डाल देते हैं पाइप को, नहीं तो गिर रही है बार बार। फ्रेंड्स इधर डालता हूँ कछुए को, एक काम करता हूँ निकाल के उधर से, कहीं मिलेगा। देखो भाई फ्रेंड्स पॉन्ड पूरा सीधा होने लग गया है फ्रेंड्स, इतना दबाव पड़ रहा है इसकी साइड वॉल्स पर। फिल्टर बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, और अब संभालना मुश्किल हो रहा है ट्यूब को, कैमरे को, सब जगह को दिक्कत आ सकती है बहुत। ये देखो फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स मैं फिल्टर ऑफ करता हूँ, बस ठीक है अब, अब थोड़ा ठीक लगा है पहले से फ्रेंड्स, और अब मैं ज़्यादा लेवल और इंक्रीज नहीं कर रहा। देख लो फ्रेंड्स यही है नेचर का कमाल, बढ़िया सिस्टम पॉन्ड का, इंडोर पॉन्ड है फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखो कितना बढ़िया बना है। देखो फ्रेंड्स मेरा कछुआ ज्यादा पानी से डरता था, इसको देखो इसके बिहेवियर को, ये जाना चाह रहा है पानी के अंदर। देखो फ्रेंड्स कितना ज्यादा वो हो गया है, नेचुरल टाइप का इसमें नेचर आ गया है फ्रेंड्स। देखो ये रुक भी नहीं रहा हाथ के अंदर, ये देखो फ्रेंड्स, इसे मैं छोड़ के दिखाता हूँ आपको जो इसका बिहेवियर रहेगा। ये देखो फ्रेंड्स सीधा फ्रेंड्स पानी के अंदर, ये देखो जो फ्लो है, यही होती है फ्रेंड्स असली जिंदगी, ऐसे ही कछुए को रखना चाहिए फ्रेंड्स। देखो कितना आराम से अपना है स्विमिंग कर रहा है, वीडियो बड़ी हो गई कोई बात नहीं, पर आपको सीखने के लिए मिला होगा जरूर। फ्रेंड्स एक एक्वेरियम से शुरू करा था, एक लाल वाली बाल्टी से, और अब एक बहुत बड़े इंटीरियर पॉन्ड पे हम, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक करो इसलिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो में कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, आपको मैं नहीं बता रहा, सब कुछ बता रहा हूँ, पर सब्सक्राइबर्स थोड़े बड़े करो, फिल्टर चलाते।
अश्वी को देखो फ्रेंड्स, इधर छोड़ते हैं पासेस के, थोड़ा बहुत टॉर्चर चलता है, कोई बात नहीं, टॉर्चर भी नहीं है भाई, इतने मेहनत करी थोड़ा बहुत तो। ओ यस, ये अपना आराम से इसने खाया पिए करेगा, स्विमिंग करा करेगा। आई होप आपको असली मतलब पता चला होगा कि फ्रीडम का मतलब असली मतलब क्या है। और फ्रेंड्स अभी तो मैं इसके अंदर हाथ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ भी अभी धुल धुल के अच्छा हो चुका है, कोई बेकार नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो फ्रेंड्स इतनी बढ़िया स्विमिंग तरीके से स्विमिंग कर रहा है, अपना बढ़िया हो चुका है, ये देखो फ्रेंड्स। और अब मैं इसे लूंगा ना, देखो मेरे हाथ से कैसे भागेगा फ्रेंड्स, देखो अगर मैं इसे देखो पाया तो अभी भाग रहा है, अगर मैं इसे ले भी लिया ना हाथ में, अभी इसका बिहेवियर देखना फ्रेंड्स दो मिनट के लिए। ये देखो फ्रेंड्स, अगर मैं इसे हाथ में ले लूं, ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो तो फ्रेंड्स ये नेचुरल लाइफ है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं प्लांट फिशेस भी इसके अंदर अगर ऐड कर दूं तो भाई कोई तोड़ ही नहीं है इस इंटीरियर पॉन्ड का, ऐसा पॉन्ड बना दिया तुम्हारे भाई ने। सिंपल सोवर पॉन्ड है और इतना बढ़िया सिस्टम हो रखा है, खुद ही देख सकते हो। ये देखो भाई, कछुआ कूद कूद के अपना स्विमिंग कर रहा है, ये देखो देखो फाइनली इसको स्विमिंग तरीके से धीरे धीरे आ गई है इसमें करना, और धीरे धीरे अडेप्ट कर लेगा तो बढ़िया, धीरे धीरे अपना बढ़िया तरीके से स्विमिंग भी करेगा, तेज तेज भी धीरे धीरे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो एंड करता हूँ अब।